हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय नेहा राजा 1111। आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन का करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वो आपको रीच आउट करेंगे तो कब तक करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसका रीज़न क्या है। हम ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है नेहा राजा 1111, ब्लू टिक होगा, आप उसी पे फॉलो करिएगा, दैट्स माय ऑफिशियल आईडी। बहुत सारे फेक आईडीज भी आजकल बन रहे हैं, सो बी अवेयर एंड बी सेफ, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे तीन पाइल्स है, पिंक रोडोनाइट, मून स्टोन, कैट्स आई, ठीक है। ये तीन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, आप जिस भी क्रिस्टल की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी। अगर आप एक से ज़्यादा की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मींस यूनिवर्स आपको उस दूसरी रीडिंग में भी अलाइन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेज है, कुछ खास मैसेज है। अगर आप दूसरी रीडिंग की भी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो तो ही देखना, अननेसेसरली मत देखना, ठीक है। एंड आपकी रीडिंग देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें, आई क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक करें, जिससे एक एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन से, जो कि है पिंक क्रिस्टल, पिंक रोडोनाइट। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है पिंक रोडोनाइट, देन आपकी लव लाइफ अनस्टेबल है, आपकी लव लाइफ में लव ही नहीं है। और मैं पिकअप कर पा रही हूँ लॉट ऑफ फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सेपरेशन। आप वेट कर रहे हो उस इंसान का जो आपके पास्ट पर्सन है। यहाँ पे मुझे पास्ट पर्सन की एनर्जी पिकअप हो रही है, आपके पास्ट पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हो, और आप ये प्रे कर रहे हो कि ये सेपरेशन जल्दी से एंड हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ, राइट? अगर ये बात सच है तो कॉमेंट डाउन, आई क्लेम द रीडिंग, ओके। तो हम आज आपकी रीडिंग में देखेंगे उनका इंटेंशन, नेक्स्ट मूव, कब रीच आउट करेंगे, ठीक है। सब उनके बारे में आज हम जानेंगे, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या है आखिर करंट एनर्जीज राइट नाउ, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम एंजल्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। एंजल्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हो जिन्होंने भी ये रीडिंग पिकअप की है फर्स्ट फाइल, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, उनकी सिचुएशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज गाइड एंजल्स, उनकी सिचुएशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। बने रहें वीडियो में एंड मेंटेन द पेशेंस, टैप विद द एनर्जी। ऑलराइट, ऑलराइट। देखिए, लक आपके साइड में ही है, लक आपका साथ दे रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अनक्लियर हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो अनक्लियर हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में कंफ्यूजन है। आप डे टू डे लाइफ कंफ्यूजन में ही जीते हो, आप बहुत एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो चुके हो अपनी लव लाइफ में। आप बस यही सोचते हो आगे होगा तो क्या होगा, जो पास्ट का हुआ आपने कहाँ क्या गलती कर दी, यू आर जस्ट जगलिंग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। लक आपका साथ दे रहा है और मैं कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में साथ देगा, लेकिन अभी आप कुछ भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो इस रिश्ते से एट प्रेजेंट, कि वो आपको जल्दी ही कांटेक्ट कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक हफ्ते में कर लेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आपको यूनिवर्स सरेंडर करने के लिए कह रहा है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा ये रिश्ता। आपकी लव लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मा में आपने जिस इंसान से भी आप डील कर रहे हो, आपने उनका कुछ ना कुछ बहुत कुछ ना कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ उनका बिगाड़ा है पास्ट लाइफ में, जिसके कारण आज आपको इस लाइफ में उसका रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न वाई यू आर सफरिंग। ठीक है, आपका उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और आपने उनका बिगाड़ा है, इसलिए वो इस लाइफ टाइम में आके आपके साथ ऑन ऑफ गोस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो यूनिवर्स इसलिए कह रहा है लक आने वाले समय में साथ दे देगा, लेकिन अभी के लिए आपको इस सिचुएशन को सरेंडर करना पड़ेगा बिना हाई एक्सपेक्टेशंस रखे हुए, बिकॉज आपको नहीं पता ना, यू नेवर नो कब क्या आपके फेवर में वर्क कर जाए। लेकिन उस चीज़ को वर्क करवाने के लिए आपको सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा। आप खुद ही फैंटेसी में जीते रहोगे तो वो भी गलत है, क्योंकि आप फैंटेसी में जियोगे तो आप अपनी मेंटल पीस को खुद ही डिस्टर्ब करोगे, क्योंकि आप अपनी फैंटेसी में नए नए एक्सपेक्टेशंस को जागृत करोगे और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होगी तो हर्ट किसको होगा? आपको होगा, राइट? सो सरेंडर करिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजल्स प्लीज टेल मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इनको लेके। ऑल राइट, द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ये है इनकी एनर्जीज। एंजल्स प्लीज टेल मी, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है इनके लिए। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स प्लीज टेल मी उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, कब तक रहेगा इनकी ओर। ऑलराइट, द हैंग्ड मैन, आई होप आप सबको विजिबल है। ऑलराइट, एट ऑफ पेंटिकल्स, कब तक रीच आउट करेंगे इनके पार्टनर इन्हें, प्लीज एंजल्स गाइड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं उनकी एनर्जीज पे। सी, उनकी एनर्जीज अभी जो दिख रही है यहाँ पे मुझे, वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपको कंट्रोल कर सकें, इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो। एक्चुअली में आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रख रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, और उन्हें ये बात नहीं पसंद आ रही, उनको ये बात खल रही है, क्योंकि एक टाइम तक आप उनके आगे पीछे मजनू या लैला बन के घूम रहे थे, बट अब वो चीज़ नहीं है। अब आपने एक साइकिल से पास होके आपने एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और एक लेसन सीख लिया है। ठीक है, तो अब उनको फील हो रहा है कि आप उनको वैल्यू उतना नहीं दे रहे हो जितना आप उनको पहले देते थे। तो उनको ऐसा लग रहा है आप उनके हाथ से रिमोट एक छीन चुके हो, जिसके कारण वो भी आपको ज़्यादा वैल्यू या फिर ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं देना चाह रहे हैं। वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं अपने पावर में रहती या रहता हूँ, ज़्यादा भाव खाता हूँ या खाती हूँ, तो ये इंसान पहले जैसा मेरे साथ बिहेव करने लगेगा। ये इंसान अटेंशन सीकर है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। तो उनकी अभी ये प्रेजेंट एनर्जी यही है कि उनको आपसे अटेंशन चाहिए। अटेंशन सीक करने के लिए वो कितना भी गिर सकते हैं। ठीक है, और ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपका या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का, यहाँ पे आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है आपके अलावा, आपके रिश्ते से बाहर। ठीक है, जिसके कारण
वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन भी देना नहीं चाह रहे हैं और आपसे अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं, बट आपको अटेंशन नहीं देना चाह रहे। वो अपनी मर्ज़ी से आना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते हैं। अगर आप उस पर सवाल करोगे तो वो आपको भाव भी नहीं देंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं और उल्टा विक्टम कार्ड प्ले करने लगेंगे, ठीक है? तो उनका ये चल रहा है अभी। और मैं देख रही हूँ जहाँ पे भी इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, जिस इंसान के साथ भी अभी इन्वॉल्व है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनका लवी डवी टाइम चल रहा है, काफ़ी रोमांटिक टाइम बिता रहे हैं इस इंसान के साथ। मुझे फिजिकल रिलेशन भी दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं। अब उनका चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ट्रू इंटेंशन उनका पता है क्या है, कि वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से आना चाहते हैं, अपने हिसाब से जाना जाना चाहते हैं, ठीक है? उनको जो अच्छा लगे वो करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन आप उन पे कमांड करोगे तो वो आपको लेट गो कर देंगे, सीधी सी बात है। और ये इंसान एक इंसान के साथ टिक के रहे वैसे टाइप के नहीं लग रहे हैं मुझे। इनको अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, इनको अभी बिल्कुल भी अवेकनिंग नहीं हुई है। ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, देर इज़ अ हाई चांस कि आप एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। नॉट इवन कार्मिक, नॉट इवन सोलमेट, ये एक ट्विन फ्लेम है। रनर चेजर वाला आपका यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। ये इंसान की बहुत सारे कार्मिक्स हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं और इनको अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है। जब तक इनको अवेकनिंग नहीं होगी, वो आपके पास आके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? उनका नेक्स्ट मूव मुझे दिख ही नहीं रहा है कि वो कुछ कोई खास नेक्स्ट मूव लेंगे जिससे ये रिश्ता कमिटमेंट की ओर जाए, ठीक है? इनका इनका कोई खास नेक्स्ट मूव मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये इंसान बस कंफ्यूज्ड फिरते रहते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, बात कर लेंगे, हेलो हाय हो गया, लवी डवी बातें हो गई, उनके काम की बातें हो गई, मतलब की बातें हो गई, है ना? तो ये इंसान बहुत ही कंफ्यूज्ड इंसान है। ये इंसान की अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अभी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में सीधे रास्ते नहीं, उल्टे रास्ते चल रहे हैं, उल्टे पैर चल रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने जाएंगे ना, हमेशा इनको धक्का ही मिलेगा। इनको थर्ड पार्टी है जिनके साथ डील भी कर रहे हैं ना, इनको वहाँ से धोखा मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो इनका रिश्ता कहीं पे भी किसी भी कार्मिक के साथ सस्टेन डेफिनेटली नहीं करेगा। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपकी वैल्यू बहुत करेंगे, आपकी कदर बहुत करेंगे और आपको ट्रू लव भी देंगे, बट अभी नहीं। अभी इसमें बहुत टाइम है, अभी इनको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको यूनिवर्स ही करवाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं करवा सकते, यूनिवर्स ही करवाएगा। ये इंसान अभी कार्मिक सी ये इंसान अभी कार्मिक साइकिल में बंधे हुए हैं। अब कार्मिक साइकिल से आप उनको कैसे निकाल सकते हो? आप अपनी लाइफ में खुद फोकस करोगे, खुद एंजॉय करोगे, खुद हील करोगे, खुद की लाइफ को एक एक लेवल पे लेकर जाओगे, खुद को एक मेंटली स्पिरिचुअली फिजिकली एक लेवल पे लेकर जाओगे। और ये आपको रीच आउट जितना जल्दी करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये रीच आउट आपको जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी भाग भी जाएंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि ये इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है, राइट? तो अगर आपने ये पाइल चूज़ की है ना, देन दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि ये पिंक रोडोनाइट, ये क्रिस्टल है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू अर्थ, ठीक है? अमेजोन वगैरह पे जो क्रिस्टल्स मिलते हैं उनको अवॉइड करें, वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, रियल नहीं होते हैं, ठीक है? और एक क्रिस्टल को आप लोग जब लेते हो कहीं से भी, तो उसको कहते हो कि क्लीनिंग करके पहन लिया, क्लींजिंग करके पहन लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक ये एनर्जाइज्ड इन्वोक्ड एनर्जी से इन्वोक्ड नहीं होगा। तो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ आफ्टर इन्वोकिंग इट, और ये एक्सपेंसिव है थोड़ा, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लो, वन टाइम आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी सोल के लिए है, ठीक है? आपकी आत्मा के लिए। तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, जो आपकी लव लाइफ में आपकी हेल्प करेगा, आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में, रीयूनाइट होने में बहुत हेल्प करेगा। आपकी जो अंदर की एनर्जी है उसको क्लेंज करेगा। आपकी जो ऑरा है, एक लव लाइफ को लेके जो ऑरा है, एक आपका प्लैनेट वीनस है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे आपका पार्टनर आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, आपको कमिट
ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ मेडिसिन फॉर यू। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मेडिसिन लिख के देता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, मेडिसिन लेते हो, फिर आप ठीक होते हो, राइट। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मेडिसिन है जो आपको हाईली 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 रिकमेंडेबल है कि आपको विदाउट एनी डाउट पहनना ही पहनना चाहिए। अगर आप इसको पहनते हो तो यू विल नॉट रिग्रेट इट, इट विल बी वर्थ इट फॉर यू। तो आप इसको पहनो। अगर आप ये सारे सिनेरियोस से अपग्रेड होना चाहते हो, आपके पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने की इच्छा रख रहे हो, आपके पार्टनर से एक कमिटमेंट की इच्छा रख रहे हो, तो आफ्टर वियरिंग दिस आपको इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक इतने ही बेनिफिट्स नहीं है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने जो मेजरली इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड आप इसको डेफिनेटली डेफिनेटली इसको पहनो। इट्स लाइक दिस क्रिस्टल इज़ कॉलिंग यू। ये क्रिस्टल आपको सामने से कह रहा है कि मुझे धारण करो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो एक अर्थ से जन्मी हुई चीज़ होती है, फिर इसको क्लेंजिंग करके इसमें एनर्जीज इन्वोक की जाती है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। उसके बाद का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो अनबीटेबल होता है, वो आपको पहनने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करो क्रिस्टल लेने के लिए। अगेन बता देती हूँ, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो नेहा राजा 1111, ब्लू टिक लगी होगी आईडी पे, दैट्स माय ऑफिशियल आईडी। बी सेफ, फेक आईडीज बहुत हैं इसीलिए। तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ मैसेज करो, मैं डिटेल शेयर कर दूँगी। तो अब आपको ये सारी बातें पता चल गई कि वो जितना जल्दी अगर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे उतनी जल्दी भाग भी जाएंगे। गॉट इट। अब हम आपके लिए एक और मैसेज ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जस्ट होल्ड ऑन। एंजल्स प्लीज गिव मी लास्ट मैसेज फॉर द पीपल हु सेलेक्टेड पाइल वन। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ऑलराइट, आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाएगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा, इट्स जस्ट रनिंग हाई। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ऑलराइट, आप जो चाह रहे हो आप उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसा कहा कि आपके पर्सन जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी भाग भी जाएंगे। अगर आप उनको टिकाना चाहते हो तो आप अपनी वाइब्रेशन ही ऐसी बना लो कि वो चाह के भी आपसे दूर ना जा पाएँ, वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएँ, आपकी ओर ध्यान दें, आपसे फाइट ना करें, आपसे सेपरेशन ना करें। आप अपना ऑरा सिर्फ इसको पहनने के बाद ही ऐसा बना सकते हो। और ये सिर्फ डायरेक्टली नहीं पहनना होता है, मैंने बताया कि इसको एनर्जाइज करने के बाद ही पहनना चाहिए, है ना। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए टू बाय दिस। एंड अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रीडिंग की ओर, जो कि है मूनस्टोन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर लें, ताकि इससे एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे एनर्जी एक्सचेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने मूनस्टोन पिकअप किया है तो सबसे पहले चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। अभी हम आगे जानने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज, ट्रू इंटेंशन, नेक्स्ट मूव, कब तक आपको रीच आउट करेंगे। तो बने रहे रीडिंग में। एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओके, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। ओह नाइस। Conclusions are within reach. Work through your fears. सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका आने वाला जो टाइम है आपके पार्टनर के साथ, आपको उसमें विन विन आउटकम मिलने वाला है, मतलब आपको विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। कंक्लूजन इज विद इन रीच।
जितने भी कंफ्यूजन, आई मीन कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन जैसे कि आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर है उनके दिल में क्या है, उनके उनके जज्बात क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, वो सब कुछ आपको वो आके बयां करने वाले हैं, आपको आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। इन शॉर्ट आपके अंदर बहुत डर है, उनके अंदर भी बहुत डर है, आप दोनों अंदर ही अंदर एक फियरफुल इंसान हो, लेकिन एक दूसरे को दिखाते तो ऐसे हो जैसे आप एक इम्प्रेयर या इम्प्रेस हो, और वो भी दिखाते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं। ठीक है, अंदर से दोनों ही फट्टू डरपोक हैं एक दूसरे को लेके। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, आप अपनी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे फुल मून के आसपास। नेक्स्ट फुल मून जो आने वाला है उसके आसपास आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता हुआ देखोगे अपनी लव लाइफ में, और वो भी पॉजिटिव नोट पे। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत 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 प्यारी रीडिंग आई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपके पर्सन का अब रीडिंग देखते हैं, उनकी एनर्जीज देखते हैं। लाइक शेयर कर लो आप लोग इस रीडिंग को, एंड सब्सक्राइब कर लो जिससे एक एनर्जी एक्सचेंज होगा। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं सेकंड पाइल चूज़ किए हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंजल्स, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया है। ओके, ऑल राइट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स प्लीज गाइड, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इनके लिए, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं अभी। द हर्मिट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, कब तक रीच आउट करेंगे इनको एंजल्स प्लीज गाइड, कब तक रीच आउट करेंगे इनको। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। ओके, सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे मुझे पिकअप हो रहा है। ऑल राइट, आपके पर्सन को लग रहा है यहाँ पे कि आपने गलत किया है, और आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है। आप दोनों ही इमोशनली वीक इंसान हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हो उस बातों के लिए जो बातें एक्चुअली में आप लोगों को पीछे छोड़ देनी चाहिए थी। बार 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 आप लोग पास्ट की बातें लाते हो, एक दूसरे को ब्लेम करते हो, एंड देन अगेन सेपरेट हो जाते हो। आपके पर्सन चाहते हैं रीयूनियन होना, आप भी चाहते हो रीयूनियन होना, लेकिन यहाँ पे ईगो इज़ द बैरियर। उनको उनको फील होता है कि उनका दिल आपने तोड़ा है, आपको लगता है कि आपका दिल उन्होंने तोड़ा है। तो ईगो इज प्लेइंग द मेजर रोल। ईगो के कारण ये रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। ईगो आ रहा है तो आप दोनों बैक ऑफ हो जा रहे हो, बैक स्टेप हो जा रहे हो। उनको लगता है आप गलत हो, आपको लगता है वो गलत है। और फॉर फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे कुछ पैसे का भी मैटर है, कुछ पैसों को लेके भी कुछ, फॉर फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, पैसों को लेके भी कुछ अनबन हुई है जिसके कारण आप लोगों के बीच में दरार आए हैं। पैसों को लेके भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं, आपको नीचा दिखाया गया है या आपने उनको नीचा दिखाया, कुछ तो पैसे को लेके हुआ है आप दोनों के बीच, जिसके कारण आप दोनों ही एक स्ट्रेस में हो, सॉरो में हो, पेन में हो, दुख में हो, अनहैप्पी हो। उनकी एनर्जी तो अभी अनहैप्पी है,
वो भी पेन में है, उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, तो वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आपके करंट जो भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, एसपी के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, वो मूव ऑन की एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मूव ऑन करना चाहिए, उनको ऐसा लगता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंची है, और आपको लगता है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंची है। वो अपने करियर पे ध्यान देना चाह रहे हैं, अपने काम काम धंधे पे ध्यान देना चाह रहे हैं, वो आप पे फोकस ही नहीं करना चाह रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल राइट, सी उनका जो नेक्स्ट मूव, सॉरी नेक्स्ट इंटेंशन, उनका जो इंटेंशन है, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है इस रिश्ते के लिए फाइट करने के लिए। उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है कि वो वापस आके आपको मनाएं। उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है कि वो फिर से डिसरिस्पेक्ट फेस करें, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करें। लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, और उनको लगता है ये रिश्ते का एंड है, एंड ऑफ दिस साइकिल। उनको ऐसा लगता है ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो वो अपने पावर में रह के अपनी लाइफ को अपने तरीके से आगे चलाना चाहते हैं। वो आपको अभी इतनी अहमियत नहीं देना चाह रहे हैं, आपको अहमियत बिल्कुल नहीं देना चाह रहे हैं। अभी वो अपना रास्ता खोज रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि लव लाइफ में उनके लिए कुछ रखा ही नहीं है। और यही यहाँ पे ना वाइस वर्सा है, आप दोनों की ना जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। आप जो फील कर रहे हो वो भी फील कर रहे हैं, वो जो फील कर रहे हैं वो आप फील कर रहे हो। मीन्स आपको लग रहा है उन्होंने किया है, उनको लग रहा है आपने किया है। टू मच मिसअंडरस्टैंडिंग, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन में हो। वो अपना भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उनको भगवान सही रास्ता दिखाएं। और अभी उनकी लिटरली दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द फीलिंग, दिस इज़ द इंटेंशन कि उनको आपके साथ डील ही नहीं करना है। दे आर अबाउट टू लाइक गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप, वो लिटरली गिव अप करना चाह रहे हैं, आपके साथ डील भी नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा ही इन पे शक कर दिया हो, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी शक किया हो, जिसके कारण वो और ज़्यादा ड्रेन हो गए हो। दिस पर्सन इज़ ड्रेन्ड, उनको ऐसा लगता है ये रिश्ते में ना ना लव है, ना पीस है, ना एक दूसरे के लिए केयर है, तो वो इस रिश्ते पे क्यों ही इन्वेस्ट करें, आप पे क्यों ही अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें। वो आपके बारे में आपको रीच आउट करें या नहीं, उसके बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं। ये उनका फ्रेंड हो सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बट आपके बारे में डिस्कशन चल रही है। और वो इंसान उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्हें गाइड कर रहे हैं कि वो मूव ऑन हो जाएं, आपको वो रीच आउट ना करें। वो दिल से चाह रहे हैं, दिल से तो चाह रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करें, एक बार बात करें, बट अब उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में सही हो, वो अपनी ज़िंदगी में सही है, अगर किस्मत में होगा तो भगवान अपने आप कुछ कर देगा, बट दे आर नॉट रेडी टू कन्फेस व्हाट दे फील। उनकी एनर्जीज ऐसे आ रही है, जो आप विन विन आउटकम, जो आप मैंने बताया आपको विन विन आउटकम है, आपको विक्ट्री मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, है ना, तो वो अभी तो नहीं मिलेगा। अभी तो और 6 से 8 से 10 महीने के लिए आप भूल जाओ, इसमें अभी नहीं मिलेगा। अगर ये आपके पास आएंगे बिना, आप नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्ट करो कुछ कमिटमेंट वगैरह का। ये देना तो चाहते हैं बट अभी अभी गिव अप कर चुके हैं, एंड आप भी इमोशनली वीक हो चुके हो। अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन हील हो, खुद को आप हील करना चाहते हो, आप दोनों की एनर्जीज बहुत कनेक्टेड हैं, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल उनकी तरफ फील कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी से वो भी हील हो सकते हैं। ये क्रिस्टल मूनस्टोन है, अवॉइड करें अमेज़ॉन जैसी जगह से लेने का, जो क्रिस्टल वगैरह होता है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, रियल नहीं होते हैं। एंड क्रिस्टल खाली क्लेंजिंग करके नहीं पहनना चाहिए, इसमें एनर्जी इन्वोक्ड कराने के बाद ही पहनना चाहिए, तभी वर्कआउट करता है, एल्स नहीं करता है। क्रिस्टल इज़ लाइक
गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू अर्थ. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखता है, देन यू गो टू मेडिकल स्टोर, राइट? और फिर आपको दवाइयाँ मिलती है, फिर आप हील होते हो. तो ये भी एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मेडिसिन है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. मैं बता दूँ, ये एक्सपेंसिव है, लिटिल एक्सपेंसिव है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है फॉर योर सोल ग्रोथ, ठीक है? तो आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए और इसको पहनिए. आप इसको पहनने के बाद अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे. हो सकता है कि इसको पहनने के बाद आपको 1 साल का वेट भी ना करना पड़े, 3 महीने, 6 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिश्ता सुधर जाएगा. आप इसको 110% पहने. क्रिस्टल जब आपको सामने से अपनी लाइफ में बुलाता है ना, इट्स लाइक अ मैजिक थिंग. ये यूनिवर्स ही कुछ मैजिक कर रहा है. फिर आपको कुछ अलाइनमेंट के साथ, एक वे दिखाना चाहता है, अलाइन करना चाहता है, एक एनर्जी के साथ अलाइन करना चाहता है. तो वो बिना इसको पहने नहीं होएगा. अगर आप इस मीडियम से देख रहे हो तो आपको 110% इस मीडियम से ये चीज़ एक्सेप्ट करके पहननी चाहिए. इससे फ़र्क 110% आएगा. इट विल बी वर्थ इट. यू विल बी सेटिस्फाइड. आप एक सेटिस्फाइड ज़िंदगी जीना चाहते हो. इन शॉर्ट, आप अपने लव लाइफ में सेटिस्फाइड ज़िंदगी जीना चाहते हो, ये भी सेटिस्फाइड ज़िंदगी जीना चाहते हैं. आप दोनों कहीं ना कहीं हार चुके हो अंदर से कि यार कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है. और हो सकता है जो विन विन आउटकम जो आपका आया है रीडिंग में, इसको पहनने के बाद वो विन विन आउटकम आपको मिलेगा. हाई हाई पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी. तो आप इसको लेने के लिए, बाय करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम नेहा राजा 1111 पे मैसेज करो. ब्लू टिक वाली आईडी है. बहुत सी फेक आईडीज भी बनती है, सो बी सेफ. मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको बता दूँगी कैसे क्या बाय करना है, डिटेल्स शेयर कर दूँगी. बट गो फॉर इट, गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट. एंड जिन लोगों ने भी अभी तक ये चीज़ बाय किया है, उनका एक्सपीरियंस लिटरली बहुत अच्छा रहा है. और ये मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं वेयर करती हूँ, तो मेरे लिए तो इट्स लाइक अ मैजिक. इसके सिर्फ इतने बेनिफिट्स नहीं है जो मैंने आपको बताया, इसके बहुत से अलग भी बेनिफिट्स हैं. हर एक क्रिस्टल ब्रेसलेट का एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है. बट आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट आपको इससे मिलेगा, वो मैंने अभी आपको बताया, जो कि हाईली फेवरेबल रहेगा आपके रिश्ते में. बहुत सारी डिस्प्यूट्स एंड कर देगा ये आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ में जो लव लाइफ में जो इतने डिस्प्यूट्स हैं ना, इतने डिस्प्यूट्स हैं ना जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, जो डिले पे डिले होते हैं, दिस इज़ गोइंग टू एंड ऑल द डिस्प्यूट्स एंड मेक यू री यूनाइट विथ योर पार्टनर, ठीक है? तो आपके लिए हाईली हाईली रिकमेंडेबल है, क्योंकि आपने ये सेलेक्ट किया, ये पायली सेलेक्ट की है. तो ये क्रिस्टल ही खुद कह रहा है कि मेरे को पहनो एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर. ये मैसेज आप ऐसे लो कि यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स डायरेक्ट आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में यही हो रहा है. इट्स इट्स नॉट अ गेम. टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल्स आर नॉट अ गेम. अगर आप इसको एज अ गेम ले रहे हो तो प्लीज़ स्किप कर दो और ये वीडियो मत देखो, ठीक है? सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेबल फॉर यू. तो अभी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म जाने वाली है, ठीक है? तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रीयूनाइट होना है, आपको बहुत सी चीज़ें अपने अंदर हील करनी है. आप खुद जैसे जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका पार्टनर भी वैसे वैसे ट्रांसफॉर्म होगा. और दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर टारगेट. आप जो चाह रहे हो ना, वो आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर. आइए एंजल्स की तरफ से और थोड़ी मैसेज लेते हैं आपके लिए. एंजल्स प्लीज़ गाइड, व्हाट मोर मैसेज यू वांट टू डिलीवर टू दिस पर्सन. वॉट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको क्या लग रहा है आपको रिलीज करना चाहिए? इमोशंस आर रनिंग हाई. शो द वर्ल्ड रियल यू. आप कहीं ना कहीं अपने रियल सेल्फ को दबा रहे हो. जैसे जैसे आप इस रिश्ते से दुख दुख में जाते जा रहे हो, वैसे वैसे अपने रियल सेल्फ को दबाते जा रहे हो, जो कि एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव थिंग है, ठीक है?
आप एक तो इमोशनली अनस्टेबल इंसान हो, इमोशनली वीक इंसान हो, उल्टा आप अपने रियल सेल्फ को भी दबा रहे हो, तो ये तो आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में जा रहे हो, आप अपने आप को ग्राउंड ही नहीं कर सकते। ये चीज़ तो आपके रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं ना। तो वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ करो जो आपको, आपके लिए, आपके साथ फेवर में नहीं है, आपको, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, आपको मुश्किल हो रही है ये सारी चीज़ें करने में। तो इसीलिए मैंने ये बोला है कि ये चीज़ आपको 110% पहनना चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्टल खुद आपके पास सामने से आया है, आपने खुद इसे चूज़ किया है, ताकि आप इसे पहनो और ये चीज़ आपकी हेल्प करेगा। ये एक आपका तीसरा हाथ है आपके ऊपर, आपके पास दो हाथ है, ये आपका तीसरा हाथ है, ये भगवान का हाथ होगा जो आपकी हेल्प करेगा, तब आप ये सारी चीज़ों से ओवरकम कर पाओगे और अपने रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग देख पाओगे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। आप, आई नो आप बहुत तकलीफ़ में हो, लेकिन तकलीफ़ का इलाज मैंने आपको बता दिया है। आपको करना चाहिए, अपनी सोल पे इन्वेस्ट करो। हर इंसान फालतू की लग्जीरियस चीज़ों पे इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार नहीं सोचता है, लेकिन जब अपनी सोल पे इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इंसान को कोई भी चीज़ अल्ट्रा महंगी लगने लगती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को गिव अप करो और एक्चुअली में अपनी सोल पे फोकस करो। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगी, और यही सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में आपको और ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगी। तो ऐसी चीज़ें पहनो जो आपको आगे एक लेवल पे पहुंचाती हैं, आपको लेवल अप करती हैं अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, सो मेक श्योर टू वियर इट, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली बाय करने की डिटेल्स, प्राइजिंग सब बता दूँगी। चलिए अब मूव करते हैं लास्ट पाइल पे, जो कि है कैट्स आई। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और लाइक करें, कमेंट करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। इससे एक एनर्जी एक्सचेंज होगा, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, इससे एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे बढ़ें, चलो। तो अगर आपने कैट आई चूज़ की है, कैट्स आई, आप एक बहुत ही नेगेटिव ऑरा से, इफेक्ट से घिरे हुए हो, ये बात आप याद रखो। ओके, चलो पहले, सबसे पहले एक एंजल्स के मैसेज लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपके पर्सन का करंट एनर्जी, ट्रू इंटेंशन, नेक्स्ट मूव, आपको कब रीच आउट करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड फॉर द पीपल हु सेलेक्टेड पाइल 3। शो द वर्ल्ड रियल यू। ऑल राइट, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है कि उनको करेज गेन करने में दिक्कत हो रही है, वो करेज गेन कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने आपको हमेशा अपना वो सेल्फ दिखाया है जो कभी ट्रू था ही नहीं, अपना फेक वर्जन दिखाया है, जिसके कारण आज आप दोनों प्रॉब्लम से घिरे हुए हो। जब वो अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे, तब आपको इस रिश्ते में जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, और आप दोनों ही एक नए लेवल पे इस रिश्ते को ले जा पाओगे। ऑल राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं, उनकी एनर्जीज वगैरह देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, जो भी पाइल 3 चूज किए हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स।
ओके, अब हम देखते हैं उनका ट्रू इंटेंशन क्या है. एंजल्स प्लीज गाइड, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है. ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, नाइस 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 नाइस. फोर ऑफ, सॉरी, सिक्स ऑफ कप्स का ट्रू इंटेंशन. उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा. किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स. कब तक रीच आउट करेंगे, एंजल्स प्लीज गाइड, कब तक रीच आउट करेंगे. ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ कप्स. ओके, सबसे पहले ये रीडिंग आप जितने भी लोग जो भी देख रहे हैं, आपसे मैं बात कर रही हूँ, जो भी आप हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी लव लाइफ में ना नज़र लगी है. देर इज़ एन ईवल आई फॉर श्योर. आपने अगर ये पल सेलेक्ट किया ना, आप अगर कैट्स आई सेलेक्ट की हो ना, देर इज़ एन ईवल आई. आपके फाइनेंसेस को भी नज़र लगी है, आपकी लव लाइफ को भी नज़र लगी है, आपकी फैमिली लाइफ को भी नज़र लगी है. आपका कोई भी एस्पेक्ट ले लो लाइफ का, वो भी स्टेबल है ही नहीं. देयर इज़ एन ब्लैक मैजिक, देयर इज़ एन ईवल आई फॉर श्योर, गारंटीड. सी, आपके पार्टनर की एनर्जी अभी बहुत डाउन है, ठीक है. योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लो और वो आप पे ऑनलाइन नज़र भी रख रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. नो, उनको अच्छा लगता है आपको देखना और ओल्ड मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, आपसे टेलीपैथी कनेक्ट हो रहे हैं, टेलीपैथी बातें कर रहे हैं. माइट भी आप उनको अपने ड्रीम्स में देख रहे होगे, वो भी आपको अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं. आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट टेलीपैथिकली कर ही रहे हो, ठीक है. नो मैटर, ये सेपरेशन अगर है आप दोनों के बीच, तो ये आपका सेपरेशन ज़रूर ख़त्म होगा. लेकिन सबसे पहले आपको अपने लाइफ से ये जो यू नो, देर इज़ अ जूजू, देर इज़ अ ब्लैक मैजिक, ईविल आई, नज़र दोष, बहुत हैवी हैवी नेगेटिव एनर्जी है, उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा. तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, आप ये कैट आई क्रिस्टल पहन सकते हो. सबसे पहले तो जितने भी अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट है, वहाँ से ऐसे सारे क्रिस्टल सर्च करके मंगवाए ना, बिकॉज वहाँ पे सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, वो रियल नहीं होते हैं. और खाली क्लिनजिंग करके क्रिस्टल्स नहीं पहने जाते, उसके अंदर एनर्जीज इन्वोक्ड करनी पड़ती है, उसके बाद ही क्रिस्टल्स वियर करने चाहिए. ऑलराइट, तो मैं अपने क्लाइंट्स को एनर्जीज इन्वोक्ड करने के बाद ही क्रिस्टल्स वियर करवाती हूँ. तो कैट आई आपको हेल्प करेगा, सबसे पहले तो ये सारे नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालेगा, आपका एक आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा. आपके लाइफ में जो भी डिलेज आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑलरेडी एंटर हो चुकी है आपकी बॉडी में, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ, वो सारी चीज़ें ख़त्म करेगा. आपको हाईली हाईली रिकमेंडेबल है कि आप ये, अगर आपने कैट आई चूज़ किया है, तो आप कैट आई क्रिस्टल पहनो. ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी सोल ग्रोथ के लिए. इंसान पता है कैसा है, लग्जरियस चीज़ों पे ऐसे खर्च करता है जैसे पता नहीं कितना ही पैसा आ गया हो, लेकिन जब उसकी सोल पे इन्वेस्ट करने की बारी आती है ना, तो वो पीछे हट जाता है और यहीं से उसकी ज़िंदगी का डाउनफॉल शुरू होता है. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, फिर आप हील होते हो ना, तो ये हेवन आपको बता रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी का मेडिसिन है और हेवन आपको सामने से, ये क्रिस्टल आपके पास सामने से आया है, आपने इसको सेलेक्ट किया है, ये क्रिस्टल आपको सामने से बोल रहा है कि मुझे पहनो. और इट्स नॉट लेस देन अ मैजिक एंड यूनिवर्सल ब्लेसिंग. अगर आप इसको पहनते हो तो आपकी लाइफ में जितने भी ईविल आई, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ों से आप लाइफ टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो. लाइफ टाइम अपनी सोल पे इन्वेस्ट करना, इंसान जिस दिन सीख गया ना, उस दिन उसके पास ना पैसे की कमी होगी, ना प्यार की कमी होगी, ना यू नो फैमिली इश्यूज़ की, यू नो फैमिली इश्यूज़ से इंसान बच जाएगा, ना किसी डिस्प्यूट में फंसेगा,
राइट। तो आपकी, सबसे पहले मैं बता दूँ, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, वो आपके पास्ट लाइफ से हैं, ये आपके सोलमेट हैं। कार्मिक भी नहीं है, ट्विन फ्लेम भी नहीं है, ये आपके सोलमेट हैं। एंड सोलमेट आर डिस्टाइंड टू मेक अ स्ट्रांग बॉन्ड विद ईच अदर। बट सोलमेट को, जब जब भी सोलमेट के साथ डील करते हैं ना, तब नेगेटिव एनर्जीज हमारे रास्ते में आती ही आती हैं और इस रिश्ते को सेपरेट कर देती हैं। आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है ना, वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ ग्रो हो, वो चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को एक नेक्स्ट ऑफिशियल लेवल पे वो लेके जाएं। लेकिन इतने बैरियर्स आ चुके हैं ना आपके और इन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है ना, कि उसको एंड करना ही पड़ेगा। अगर एंड नहीं होगा तो जो फेज, जो सिचुएशन अभी है, वो आज से 1 साल बाद भी होगी, 5 साल बाद भी होगी। तो उसको आप अभी क्यों, इसे पहन के क्यों नहीं ख़त्म कर लेते हो? इट विल बी वर्थ इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मैं जो भी जो भी रीडिंग में जो भी क्रिस्टल्स के बेनिफिट्स हैं एक्चुअली में जो वर्क करते हैं, मैं आपको वही बताती हूँ। वर्क ना करे मैं ऐसा कुछ बताऊंगी ही नहीं, ठीक है? आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट करें, उनका नेक्स्ट मूव है आपसे बात करना, पर वो हेजिटेट हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या बात करें, कैसे बात करें, कहीं फिर से पुरानी चीज़ें बिल्डअप ना हो जाए, वही पास्ट की बातें बिल्डअप ना हो जाए, एंड अगेन सारी सारी चीज़ें उसी उसी स्टेज पे आके आप दोनों ना खड़े हो जाओ। वो 110% चाहते हैं विक्ट्री, उनका उनका दिल आपके साथ मिला हुआ है और आपका दिल उनके साथ मिला हुआ है। वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट उनको कांटेक्ट जो एनर्जीज है, जो ये डार्क एनर्जीज है, वो करने नहीं दे रही है। आपकी लाइफ पार्टनर को आप तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। आपके लाइफ पार्टनर तब तक आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप खुद को इस डार्क एनर्जी से बाहर नहीं निकालोगे। बच के रहो, किसी के भी हाथ से कुछ उल्टा सीधा मत खाओ। कोई बाहर वाला कुछ देता है तो थोड़ा सा ज़मीन पे गिरा दो, उसके बाद ही खाओ, अगर लग रहा है कि खाना ही पड़ेगा, ठीक है? लोगों से आप मिलते हो तो ध्यान रखो, अपने हाथों को पैरों को क्रॉस करके बैठो। अगर आपको वाइब्रेशन सही नहीं आ रही है, आप अपने आप को बचाओ, बिकॉज़ ये इस तरीके से आप अपने आप को टेम्परेरी बचा सकते हो, लेकिन पूरा इस रिश्ते को हील करने के लिए आपको इसे पहनना पड़ेगा। क्योंकि ये क्रिस्टल आपने चूज़ किया है और इसके मैंने कुछ ही बेनिफिट्स बताए, इसके तो पता नहीं कितने बेनिफिट्स हैं। पहनने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का सही डिसीजन लिया है अपनी सोल पे इन्वेस्ट करके। हर इंसान को अपनी सोल पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए, नो मैटर वॉट। जब इंसान अपनी सोल पे इन्वेस्ट करता है, तब यूनिवर्स हेल्प करता है उसको हर एक लेवल पे गेन करवाने के लिए, ठीक है? आपको फाइनेंशियली ग्रो होगा, मेंटली आप ग्रो होगे, फैमिली वाइज ग्रो होगे, रिलेशनशिप वाइज ग्रो होगे, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में बहुत ब्लैक 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 मैजिक, काइंड ऑफ नहीं एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक, ईविल आई जैसी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो। सबसे पहले उसको ख़त्म करो। जैसे ही वो चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे ना, देयर विल बी अ ब्राइट सन वेटिंग फॉर यू। आप दोनों एक हो ही जाओगे, हो ही जाओगे। लेकिन 6 मंथ्स में ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अफेक्टेड हो, आप दोनों अफेक्टेड हो, दोनों को आपको अफेक्ट कर रहा है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे आएंगे जब तक ये एनर्जी से आप खुद को आउट नहीं करोगे? तो दिस इज़ योर मेडिसिन, योर सोल मेडिसिन, योर एनर्जी मेडिसिन। वियर इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट, इट इज़ वर्थ इट। आप इसको पहनो और अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताओ, ठीक है? क्रिस्टल्स आर गिफ्ट टू अर्थ फ्रॉम हेवन, ठीक है? फिर उसको जब एनर्जी एनर्जेटिकली इन्वोक्ड किया जाता है, कुछ कुछ पावर्स इसमें डाली जाती हैं थ्रू सम प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस, उसके बाद ये मिराक्यूलसली वर्क करता है हर एक इंसान की लाइफ में। सो इट इज़ योर कॉल, आप अपनी लाइफ का डिसीजन, अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने का डिसीजन आप ले सकते हो, अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने का डिसीजन आप ले सकते हो, और एल्स आप ये साइकिल कैरी ऑन कर सकते हो। विश आपकी है। अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं। ही शी हू सो एवर इज़ दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट।
तो इस रिश्ते को बचाओ, क्योंकि ऐसे रिश्ते ज़िंदगी में बार बार नहीं आते और ऐसे रिश्तों को कभी खोना भी नहीं चाहिए। तो जो भी बैरियर है उसका उसका विनाश करो और अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उनको भी प्रोटेक्ट करो, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करो। बाकी सब चीज़ें, पैसा, गाड़ी, धन दौलत, आप आज अपनी सोल पे इन्वेस्ट करोगे, भगवान आपको उससे डबल आगे दे देगा। समझे आप? सोल पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जो है वो भी नहीं रहेगा और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो सुख चाहिए वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो फिर आप लाइफ में एंजॉय कैसे करोगे? तो अपनी सोल पे इन्वेस्ट करना सीखो, ये मैं सबको कहती हूँ, और ये मैं अपने घर में भी कहती हूँ, और मेरे घर में मैंने ये बातें सबको समझाई है। पहले मेरे घर में कोई नहीं पहनता था, तो मैंने अपने मदर को, अपने फादर को बहुत इंसिस्ट करके जब पहनाया, उनकी हेल्थ में उनको रिकवरी हुई, उनकी हेल्थ में बहुत इश्यूज़ होते थे, तो क्रिस्टल पहनने के बाद बहुत रिकवरी हुई, बहुत रिकवरी। सो रिकवरी होती ही होती है, आपकी सिचुएशन में ना रिकवरी हो मैं मान ही नहीं सकती इसको पहनने के बाद। तो चलो थोड़ा सा और एंजल का गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड एंड डू कॉमेंट, आई क्लेम द रीडिंग एंड लाइक, ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो आपके और मेरे बीच। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखो कि गलत नहीं होगा कुछ भी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अहम को बीच में मत आने दो, ठीक है? ऐसा मत, लक इज़ ऑन योर साइड, ऐसा मत सोचो कि अरे कुछ नहीं होगा, अगर मैं इसे पहनूंगा भी नहीं या पहनूंगी भी नहीं तो ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा, सब ऐवे ही भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। भगवान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप खुद ही स्टेप बैक करते हो और फिर आप लोग खुद ही रोते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हेल्प करो खुद की, तब जाके भगवान बोलेगा, एनर्जेटिकली आपको अलाइनमेंट करेगा आपके पार्टनर के साथ, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ईगो में मत आओ, खुद को ही सिर्फ सही मत समझो। सामने से कुछ आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहता है, गॉड गाइड करना चाहता है, वो एक्सेप्ट करो, वो आंसर एक्सेप्ट करो। आप सोचो कि आपकी भलाई के लिए कोई चीज़ कही जा रही है और आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर और आपके भी बीच में कभी ईगो को मत आने देना। कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो डिसीजन आज लोगे वो आपकी भलाई के लिए होगा, आपकी सोल की भलाई के लिए होगा, ठीक है? तो फिर आपका किस्मत साथ देगी, किस्मत ना साथ दे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पार्टनर लिटरली ही शी लव्स यू, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपका एक आपके साथ एक एक पल बिताना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऑफिशियल कमिटमेंट में आना चाहते हैं। बट एक सबसे बड़ी जो दीवार है ना वो खड़ी है, उसको गिरा दो और ज़िंदगी भर सुख से जियो, क्योंकि आपका, आप दोनों का फ्यूचर है, लेकिन आपको पता है कि क्या चीज़ उस फ्यूचर को बनने नहीं दे रहा है। तो उसी को अपने रास्ते से हटा दो और अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाओ और दोनों खुशी खुशी जियो। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई सी यू इन माई नेक्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग। डू फॉलो मी एंड इसको बाय करने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, नेहा राजा 1111। ब्लू टिक होगा, ऑफिशियल आईडी वही वाली है, बहुत सी फेक आईडीज भी होती हैं, तो बी सेफ। वहाँ पे मुझे डायरेक्टली आप बाय करने के लिए मैसेज करो, मैं डिटेल्स प्राइस सब शेयर कर दूँगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।